उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए बनी कमेटी ने यूसीसी का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है, जिसको लेकर सीएम धामी की अध्यक्षता में शनिवार शाम 4 बजे कैबिनेट की एक बैठक की गई। वहीं बैठक समाप्त होने के बाद सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने जो वादा किया है उसे वादे को जरूर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूसीसी को लेकर जो विशेष सत्र बुलाया गया उसे इस सत्र में लाने का काम किया जाएगा। वहीं इसी क्रम में उन्होंने बताया है कि अभी यूसीसी ड्राफ्ट का हम परीक्षण कर रहे हैं। वहीं आगामी सत्र से पहले एक और कैबिनेट होगी जिसमें यूसीसी का ड्राफ्ट आएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जो हमारे उत्तराखंड में जो छोटा सा राज्य है और बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, हम लीड करने जा रहे हैं और राज्य जो पास करेंगे वो उत्तराखंड का ही नाम लेंगे। तो यूसीसी पास होने जा रही है, इसके लिए पूरी हमारी तैयारियां हो चुकी हैं। आज चर्चा भी थी, एक कैबिनेट और होगी उसके बाद ये पास हो जाएगा। धन्यवाद। विधानसभा का सत्र आहूत है, इसलिए आज मुख्यतः परंपरा ये रही है कि विधानसभा के सत्र के समय में ब्रीफिंग नहीं होती, नहीं तो मुख्य सचिव आपको ब्रीफिंग करती। बहुत सारे हमने जो राज्य के जरूरी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर आज चर्चा हुई है और इस सत्र में हम यूसीसी लाएंगे। ये पहले से हम लोगों ने तय किया हुआ है, उसका परीक्षण कर रहे हैं, जो भी औपचारिकताएं हैं पूरी कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अन्य एक कैबिनेट और करेंगे और फिर हम ड्राफ्ट लाएंगे।